Hello and welcome back to my video once again. This is Guru Kumar. You are watching Aqua Life. So today we are going to know how to make an aquarium light. क्योंकि मैं इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न है क्योंकि बहुत ही जो बिगनर होते हैं वो एक्वेरियम लाइट खरीद नहीं पाते बिकॉज ऑफ देयर हाई बिकॉज द एक्वेरियम लाइट इज वेरी मच एक्सपेंसिव. सो इसी बात को देखते हुए क्योंकि स्टूडेंट क्या होते हैं जो एक्वेरियम होल्डर्स होते हैं सब कोई स्टूडेंट भी होते हैं उनके लिए एक्वेरियम लाइट खरीदना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैंने यही बात देखते हुए मैंने क्या किया, मैंने एक्वेरियम लाइट बनाना सोचा. ये भी जो एक्वेरियम लाइट देख रहे हैं ये भी मेरा हैंडमेड एक्वेरियम लाइट है. ये जो देखा है रिसेंटली मैंने ये एक्वेरियम लाइट बनाया. इसमें बेसिकली हुआ कि मैं दो मोड है, एक व्हाइट और रेड है और एक मेरा ब्लू है, व्हाइट ब्लू एंड रेड है. सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो बहुत ही आपको चीप तरीके मैंने आप बोल सकते हैं कि बहुत ही इजीली बना सकते हैं आप, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगेगा और बहुत ही कम प्राइस में बन जाएगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना विदाउट एनी फर्दर डिले. सो एक्वेरियम लाइट बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, दो ब्लू एलईडी. ये जो ब्लू एलईडी है 12 वोल्ट का है. सेकेंड दो तो रेड एलईडी, दो नहीं आपको फोर रेड एलईडी लगेंगे क्योंकि रेड एलईडी और ब्लू एलईडी में अगर देखा जाए तो रेड का ब्राइटनेस थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं फोर यूज़ करूँगा. थर्डली जो आपको लगने वाला है आपको दो स्ट्रिप मैंने लिया हूँ, दो स्ट्रिप लिया हूँ वाइट लाइट. ये भी मेरा अगर आपको 12 वोल्ट के सारे मिल जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं मिल रहे तो मैंने जैसे मेरे को नहीं मिल रहा था 12 वोल्ट का तो मैंने क्या किया 4 वोल्ट का लिया. मैं 4 वोल्ट को क्या करूँगा, इक्वल अमाउंट में कट कर लूँगा सारे LEDs को, देन उसको सीरीज में कनेक्शन कर दूँगा. अब जितने भाई को नहीं पता सीरीज कनेक्शन किया तो आप जाके यूट्यूब पर देख लो सीरीज में किसे कनेक्ट किया जाते हैं. ठीक है, तो चार 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 के मैं तीन पीस में कनेक्ट करूँगा तो बारह पीस में हो जाएंगे, चढ़ती है 12. ठीक है, तो 12 वोल्ट हो जाएंगे. अगर मैं इसको 12 वोल्ट से ग्लो कराने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे जो LED बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे. तो इसीलिए मैं इसे सीरीज में कनेक्शन करके इसको मैं 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर लूँगा. थर्ड जो मैं यूज़ करने वाला हूँ तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको सोल्डरिंग चाहिए. अगर आपके पास सोल्डरिंग नहीं है तो आप दुकानदार से जो इलेक्ट्रिकल दुकान है वहाँ जाके आप करवा सकते हैं ये कनेक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो. थर्डली जो आपको करना क्या, आपको दो ग्लास लगने वाले हैं. जो मेरा ग्लास का जो लंबाई है मैंने ये 2 फीट का लेंथ रखा था और मैंने ये जो रखता है 4 इंचेस का विथ रखा हूँ. ठीक है, ऐसा क्यों किया हूँ, ताकि मैं 4 इंचेस का विथ रखा हूँ ताकि बीच में मेरा जो लाइट है वो अच्छे से फिक्स हो जाए. एंड सेकेंडली क्या किया हूँ, दो दो पीस छोटे छोटे में लिया हूँ स्ट्रिप बोल के, जिसको मैंने लिया हूँ वो लिया हूँ 2 फीट का लेंथ और 1.5 इंचेस का मैंने लिया उसका विथ, जो पतले पतले स्ट्रिप टाइप के हैं. ठीक है, जिससे क्या होगा मैं बीच में उसको स्पेस करूँगा और उसको मैं अच्छे से अपने LED को बैठा सकूँ. फॉर अगर सबसे पहले आपको LED को कनेक्शन देने के लिए सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आप ग्लास को क्लीन कर ले किसी भी क्लीनिंग एजेंट के द्वारा. ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं ये काउंट कर रहा हूँ क्या करूँगा, ये टोटल जो LEDs थे ये मेरे पास करीब 4, 4, 8, 4, 3, 12. ठीक है, तो ये 24 पीसेस में थे. तो मैंने क्या किया, 24 पीसेस में थे तो उसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. 3 से डिवाइड करने से कितने आएंगे, ऑब्वियसली 8 आएंगे. तो 8 LEDs करके मैंने क्या किया, 8, 8, 12, 8, 16, 8, 24. अब मैंने उसको 3 पीस में काट लिया. अब कटने करने से क्या हुआ, एक एक 4-4 बोल्ट के हुआ तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे 4 बोल्ट पे आ गई है कि नहीं. तो 4 बोल्ट पे आ जाने से क्या होगा, इजीली मेरा ये ग्लो कर जाएगा 12 वोल्ट पर, है ना. 4 वोल्ट मैंने 4, 4, 8, 4, 3 मैंने 4, 4, 8, 4, 12 तो 12 वोल्ट के बन जाएंगे तो इसलिए वो मेरे ग्लो हो जाएंगे. ठीक है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मेरे पास देखो मेरे पास एडाप्टर भी 12 वोल्ट के हैं, मेरे पास रेड लाइट जो वो भी 12 वोल्ट के हैं, मेरे पास ब्लू लाइट है वो भी 12 वोल्ट के हैं और वाइट लाइट जो मेरे पास 4 वोल्ट के हैं. तो ऑब्वियसली उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मुझे एक और दिमाग लाना हो कि मुझे दोनों के लिए अलग अलग एडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा जिससे मेरा कॉस्ट हाई हो जाएगा, तो मैं तो वो नहीं चाहता था. ठीक है, तो इस तरह से मैंने पहले क्या किया, एक ब्लू प्रिंट बना लिया जिससे मैं अपने सही से देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ मेरा सब फिट करना है. उसके बाद मैंने इसका कनेक्शन करना शुरू किया. तो आप वीडियो को एंजॉय करिए और वीडियो में कुछ समझना आता तो आप कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं.
अब आपको क्या करना है, आपको सिलिकॉन लेना है। सिलिकॉन मैं छोटे ट्यूब लिया हूँ सिलिकॉन, अगर किसी के पास गन है या फिर पहले सिलिकॉन है तो वेरी गुड, नहीं तो आप क्या करें, आप बड़े सिलिकॉन ना खरीदें, आपको पैसे वेस्ट नहीं करने, क्योंकि एक्वेरियम लाइट बनाने का होम मेड एक्वेरियम क्यों बनाना, ताकि मेरे पैसे बचे, और बड़े बड़े सिलिकॉन खरीद लूँगा, बड़े बड़े मैं गम खरीद लूँगा तो फ़ायदा क्या हो, फिर पैसे मेरा वही तो लग गई है, तो इसीलिए सिलिकॉन छोटे खरीदे। ये सिलिकॉन जो रेजिन बॉन्ड का है, रेजी बॉन्ड का, ये मुझे 30 रुपीज़ पड़े, तो इसलिए आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि सिलिकॉन को क्या करना होगा, ग्लास पे लगा करके उसको स्टिक करना होगा। उससे पहले मैंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का सेलो टेप लिया हूँ और नीचे उसको ग्लास में स्टिक करता हूँ, जिससे क्या होता है ना, होगा कि मेरे जो पतले वाले जो 1.5 फीट का जो विथ का जो स्ट्रिप है, देख रहे, जिसे मैं इस पर सिलिकॉन लगाऊंगा और उसको स्टिक कर दूंगा, इसके वजह से क्या होगा, साइड साइड में एक बॉर्डर जैसा क्रिएट हो जाएगा और बीच में एक बड़ा सा स्पेस बन जाएगा, और उसके अंदर मैं ऑब्वियसली अपना एलईडी लाइट को स्टिक करूँगा, उसके ऊपर से फिर मैं उस कवरिंग दे दूँगा सेकेंड। इसीलिए इस तरीका करके दो आपको बॉटम लगेंगे और दो दो मेरे साइड का स्ट्रिप लगेंगे, और ये जो देख सकते हैं कि ये जो सिलिकॉन है बहुत ही आपको क्लीन वे में लगाना है, क्योंकि ऐसा नहीं डर्टी नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, एक्वेरियम लाइट देखने में बहुत ही गंदा लगेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से करना हो, और ऐसा ही सिलिकॉन लगाए कि कहीं से लीक ना रहे, क्योंकि लीक होंगे तो वाटर चले जाएंगे अंदर में और आपके एक्वेरियम लाइट ख़राब हो जाएँ, क्योंकि एक सबमर्सिबल एक्वेरियम लाइट होते हैं, होते क्या सबमर्सिबल एक्वेरियम लाइट होते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर में उसको डालते नहीं है, ऊपर में ही लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि वाटर वेपर होकर क्या होता है, वाटर को वेपर जो उसमें लगते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, वाटर अंदर जाने का चांसेस बढ़ जाता है, तो मेक श्योर करें कि आप अच्छे से इसको सिलिकॉन लगा, देख रहे हैं मैं एकदम अच्छे से लगा दिया लाइन से करके, तो ऊपर से प्रेस दूंगा ना, प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, सिलिकॉन सारे अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखें, आप अपने हाथ ना लगाएं, हाथ लगाने से क्या होता है वो गंदे हो जाते हैं और भी, तो आप हाथ ना लगाएं, आप सिलिकॉन को लंबे से लगा दें और ऊपर से प्रेस करेंगे, देख रहे हैं कैसे वो स्प्रेड अपने आप ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जा रहा है प्रेस करने से। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसी तरीका से आप दोनों भी में करें और वीडियो को इन्जॉय करें। फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, हमारे व्हाइट लाइट एलईडी का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कम कनेक्शन समझने में ना हो, ना आ रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक अच्छे से मैं कनेक्शन का डायग्राम बना के
आपको एंड में दिखा दूंगा। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को पूरा देखें, जहाँ समझ में ना आता कमेंट करें, नहीं तो क्या होते हैं ना वीडियो पूरा देखते भी नहीं हैं आप लोग, कमेंट करते हैं फिर बोलते हैं भाई ये नहीं समझ में आ रहा, भाई एक बार वीडियो देख तो लो, बनाया हूँ जब वीडियो देखने आए तो पूरे देख लो, अब क्यों टाइम वेस्ट करो, नहीं देखना तो पूरा देखो ही मत, पर देखने आए हो जिस चीज़ के लिए आए हो उसको तो कम्प्लीट कर लो, आधा अधूरा मत किया करो कोई भी काम, तो वीडियो पूरा देखा करो, उसके बाद अगर समझ में ना आओ तो कमेंट करो, क्योंकि मैं वीडियो में ऑलरेडी बता रहता हूँ फिर भी आप लोग पूछते हैं यार बहुत ही इरिटेटिव लगता है ऐसा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देख लो ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैंने ये आप ये जो नीचे देख रहे हैं अब मैंने ये कनेक्शन कर दिया, अब क्या करना होगा 12 वोल्ट LED से 2 mode इसको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मैं इसको कनेक्शन जो होगा ना ये वाइट एंड रेड में ग्लो करेंगे ऐसे परमानेंटली, और एक स्विच डाल दूंगा जिससे क्या होगा वाइट रेड एंड ब्लू में ग्लो करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इस कनेक्शन सही से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बोलता हूँ। सो फाइनली हमारा कनेक्शन हो चुका है, अगर आप थोड़ा सा भी कनेक्शन के ऊपर नॉलेज रखते हैं तो आपको ये कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कनेक्शन कैसे किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, एक 12 वोल्ट का LED स्ट्रिप लेके आना है, ये भी 12 वोल्ट का, ये भी 12 वोल्ट का, दोनों का प्लस और प्लस माइनस और माइनस जोड़ देना, सेम उसी तरह ब्लू लाइट की भी करना है, ब्लू का प्लस रेड का ब्लू के प्लस के साथ जोड़ना है और रेड का प्लस के साथ जोड़ना है। तो इसके साथ क्या करना है आपको, इस पैरेलल कनेक्शन हो गया, और मैंने क्या किया ये मेरे पास तो 4 वोल्ट का था तो मैंने इसको सीरीज में कनेक्शन कर करके मैंने 4, 4, 8, 4, 12 ऐसे करके 12 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो अगर आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आता है तो आप किसी दुकान में जा करके बोल सकते हो, वो कर देगा, नहीं तो अगर आपके पास नॉलेज है कैसे सीरीज कनेक्शन किया जाता है कैसे पैरेलल कनेक्शन किया आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास जो ये अडेप्टर है ये मेरे पास देख सकते हैं ये एक 12 वोल्ट का अडेप्टर है, मैंने क्या किया है मुझे इसमें 2 लाइट जलेंगे, एक रेड और वाइट जलेंगे और रेड वाइट ब्लू जलेंगे, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन किया हूँ। तो उसको करने के लिए मैंने क्या किया एक अलग से इसमें तार निकाला हूँ, 3 तार निकला, एक कॉमन हो गया और एक रेड के लिए हो गया और एक ब्लू के लिए हो गया, ये कनेक्शन इस तरीके से किया हूँ मैं, जिसमें क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोर्शन में क्या किया हुआ है, रेड का कनेक्शन इसमें दे दिया हूँ, ब्लू का भी कनेक्शन इसमें यहाँ पर दे दिया हूँ और वाइट का भी कॉमन ग्राउंड यहाँ पर दे दिया हूँ, ये सभी का तीनों का ग्राउंड हो गया, बट रेड का ये देख सकते हैं ये वायर जो है रेड के लिए जलेगा और ब्लू के लिए जलेगा, वाइट के लिए जलेगा, और ये जो रेड येलो वाला ये जो वायर येलो वाला आया ये जलेगा ब्लू का। तो इसमें मैं कनेक्शन करूँ और मैं यहाँ पर स्लाइडिंग लगाया हूँ स्विच, आप चाहे तो एक नॉर्मल स्ट्रिप लाइट लगा सकते हैं, मैं इसमें स्विच इसलिए लगाया हूँ ताकि मैं यहाँ से ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकूँ कि हाँ रेड कौन सा जलेगा ब्लू कौन सा जलेगा, मैं आपको एक बार दिखा जला के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा अभी ब्लू लाइट जल रहा है, रेड और वाइट जल रहे हैं, सो अगर मैं यहाँ से अगर एक और ऑन करता हूँ तो मेरा ब्लू भी जल जाएंगे, ये देख सकते हैं। ये लाइट अगर आप मार्केट से बाय करने जाएंगे तो आपको करीब इसमें आपको 700 to 800 rupees लग जाएंगे, अगर आपके पास नॉलेज है कैसे मैं कनेक्शन किया जाता है रेड वाइट ब्लू के साथ तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। और ये जो ग्लास है इस ग्लास को मैंने आपको मेजरमेंट बताता हूँ, इसका जो लेंथ मैं लिया हूँ सिंस मेरा एक्वेरियम जो 3 फीट का है तो मैं इसका लेंथ जो लिया हूँ वो लेंथ लिया हूँ 2 फीट का, 3 फीट का लेता तो अच्छा लेकिन मैं मेरा थोड़ा हो नहीं रहा था फिटिंग सही से इसलिए मैं 2 फीट का लिया हूँ, और इसका विथ जो है विथ 3 inches का है, इसके लिए इस तरीका से डाउन बॉटम जो है बॉटम का 2 पैनल आपको लेना होगा और ऊपर में एक 2 पैनल लेना होगा जिसके बीच में हम लाइट सेट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये 1/2 इंची का है, 1/2 इंची और 2 फीट लेंथ है, इसका भी 1/2 इंची विथ है और 2 फीट लेंथ है, देख सकते हैं इस तरीके से 2 पैनल आपको लगेगा और नीचे भी एक पैनल है जो आपको 2 पैनल लग सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा इस पर क्या करूँगा एक सिलिकॉन लूँगा, सिलिकॉन आप छोटे से सिलिकॉन ले, अगर आपके पास सिलिकॉन गन है या ट्यूब है तो आप बड़ा ले लें, लेकिन इसमें तो छोटे से ट्यूब से हो जाता है तो मनी वेस्ट क्यों करना है, इसलिए मैं छोटा सा ट्यूब से ही काम कर रहा हूँ। अब मैं सिलिकॉन इस पर लगाऊंगा, सिलिकॉन लगाने से मैं क्या करूँगा कुछ पीसेस कट कर लूँगा सेलो टेप का जिससे मैं जब सिलिकॉन इसमें स्टिक करूँ तो मेरा ग्लास जो है वो हिले ना, और इस सिलिकॉन को क्योर होने में करीब कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है, अगर अच्छे से क्योर करना होगा तो फिर 12 आवर के लिए छोड़ सकते हैं उसके बाद ही इसको यूज़ करें, नहीं तो इसके अंदर अगर वाटर चला जाएगा तो फिर से आपका लाइट पूरा ख़राब हो जाएगा और सिलिकॉन फिर उठाना पड़ेगा, बहुत ही झमेला हो जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखें। मैं फटाफट इसमें आपको सेलो टेप लगा लेता हूँ उसके बाद मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो अब क्या करना होगा इसका चारों कोनों को अच्छे से मैं ये नीचे भी इधर आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है इसको भी अच्छे से स्टिक करना होगा हमें। तो मैं क्या करूँगा इसमें भी सिलिकॉन भर दूंगा,
ये अच्छे से काम कर रहा है। चलिए ये जो कंट्रोलर मैंने इसमें लगाया हूँ, तो फिलहाल चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। कुछ करना नहीं है आपको, बस इस वायर को कट कर, स्विच जैसे लगाते हैं इस वायर को कट करके इसमें लगाना होगा। मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ एक बार कैसे लगाया जाता है। देख सकते हैं ये एक स्लाइडिंग स्विच लेना आपको, और ये एक वायर जो बाहर निकलेगा आउट निकलेगा उसमें लगाना है, और एक स्विच इसमें कुछ नहीं इसके पॉजिटिव में लगाना है। आप चाहें तो सेम, क्योंकि स्विच मैं बोर्ड में लगाया हूँ इसलिए मैं यहाँ स्विच लगाऊँ, आप चाहें तो बाहर भी लगा सकते हैं आपकी मर्ज़ी। स्विच एक वायर निकालना है सेम यहाँ से, इसे रेड वाला वायर, इस रेड वाले वायर से निकालना है, रेड से वायर लेके जाना है एक्स्ट्रा। और ये कॉमन है क्योंकि ये ग्राउंड है, तो एक नॉर्मल में ग्राउंड रखूँगा। सारा कनेक्शन मैंने ग्राउंड का यहीं पर किया था, मैंने आगे ही बोला था कि मैं तीनों वायर जो रेड वाइट और रेड वाइट और ब्लू तीनों का वायर ग्राउंड एक साथ है, लेकिन ब्लू का और वाइट और रेड का अलग है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू और रेड, वाइट और रेड तो परमानेंट जलेंगे, उसमें बस आपको ब्लू एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो ब्लू एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए क्या करना है, एक वायर लेना होगा बस, उसमें मैंने इस तरह कनेक्शन किया हूँ, देख सकते हैं आप शायद देख के आपको समझ में आ जाए मैंने क्या किया। रेड पे जोड़ा है ब्लू वाला वायर को, अब ब्लू वाला वायर बाहर निकला और सेपरेट से ब्लू में मैंने प्लस में जोड़ दिया। ये वायर जो है मैं डायरेक्ट ब्लू का प्लस में जोड़ दूंगा, और ब्लू का एक नेगेटिव रहेगा, वो नेगेटिव मैं क्या करूंगा, इसका ग्राउंड जो होता है ब्लू वाला, ये ग्राउंड है ये ब्लू वायर, ये बड़ा वाला ब्लू वायर ग्राउंड है जो इसमें जोड़ दूंगा, इस जो ब्लू का यहाँ तीनों तीन, इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड, रेड वाइट और ब्लू तीनों का ग्राउंड एक साथ हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ से एक वायर लेके जाना है स्विच के ज़रिए, एक स्विच लगाना है, स्विच से यहाँ पर एक वायर लेना है, और यहाँ से एक आपको स्विच से वायर, एक वायर निकालना है, और वो वायर, ये वायर जो है डायरेक्ट ब्लू का पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना, बस आपका लाइट जल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ले, ये सपोज करो मेरा ये जो 12 वोल्ट का एडाप्टर है, 12 वोल्ट का मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये एडाप्टर, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसमें से आपको एक प्लस का वायर रहेगा, एक माइनस का वायर रहेगा, ठीक है। इसमें से क्या करना है, इस प्लस का और यहाँ पर आपका ये वाइट LED है, ये एक पीस है आपका, ये दो पीस हुआ, और ये तीन पीस हुआ, जो हमने 8 8 8 करके जो 4 पीस में 3 पीस में कट किए थे, तो 12 हुआ। ये मेरा 4 वोल्ट का बना, ये 4 वोल्ट का बना, ये 4 वोल्ट का बना, टोटल कितना हो गया 12 वोल्ट। इसमें एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा। तो सीरीज कनेक्शन किस तरह से कर जाता है आप जैसे देख सकते हैं, ये प्लस का वायर आपको इस माइनस में जोड़ना होगा, ठीक है, माइनस में जोड़ना, फिर यहाँ से आपको क्या मिल गया, प्लस मिल गया, फिर अगेन इस प्लस वायर को अगर आपको किस में जोड़ना होगा, माइनस जोड़ना होगा, ठीक है। सो आपको यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया माइनस का वायर, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया प्लस का, तो ये हो गया तुम्हारा आपका नेगेटिव वायर, ये हो गया आपका पॉजिटिव वायर, ठीक है। सो ये नेगेटिव वायर है, तो ये प्लस वाला नेगेटिव पॉजिटिव वायर पॉजिटिव में कनेक्ट कर देना होगा ऑपरेटर को, ये नेगेटिव वायर आपको नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है, कंप्लीट। सेम इस तरह आपको यहाँ पर एक रेड का मिलेगा, 2 रेड का था, ठीक है। सो ये जो था हमारे, ये जो 4 वोल्ट बिजली देता हूँ यहाँ पर ही, ये आपका 12 वोल्ट का रेड LED था, रेड रेड था। सो दोनों 12 ही 12 है, तो दोनों को इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, दोनों को एक साथ जोड़ देना आपको, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, ठीक है। अब ये प्लस जो है, ये प्लस जो है इस प्लस वायर में आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो माइनस का वायर है, इस माइनस वायर को क्या करना होगा, इसके माइनस टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है यहीं पर। ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये ब्लू वायर, सो ब्लू वायर में क्या करना होगा आपको, सपोज ये आपका ब्लू, ये आपको ब्लू लाइट है 2, ये ब्लू लाइट है, और
और आपका ये भी ब्लू लाइट है, ठीक है। इसका ये प्लस माइनस एक साथ जोड़ देना, क्योंकि ये भी 12 वोल्ट का ही है। सो इसका प्लस को प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ। अब क्या करना होगा, सिंस हम इसको टू मोड बना रहे हैं, दो मोड वाले बना रहे हैं, एक है जो फर्स्ट मोड जो रहेगा वो वाइट एंड रेड ग्लो करेगा, एंड सेकेंड मोड जो है वाइट रेड एंड ब्लू में ग्लो करेगा, ठीक है। शायद आपको नहीं दिखा दे रहा, एक मिनट में दिखा देता हूँ। देख रहे हैं, दो मोड है, एक वाइट, दो मोड बनेंगे जिसमें से पहला मोड है वाइट एंड रेड, एंड सेकेंड मोड जो बनेगा वाइट रेड एंड ब्लू बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो अब क्या करना है, इसका जो प्लस वाला वायर है ना, आपको क्या करना होगा, ये अडेप्टर ले लिए, इस अडेप्टर में आप यहाँ पर कहीं भी आपको जगह जहाँ मिले वहाँ पर एक स्लाइडिंग स्विच बना दें, स्लाइडिंग स्विच। ऑब्वियसली इसमें आपको दो टर्मिनल मिल जाएंगे प्लस और कुछ भी, दो टर्मिनल मिल जाएंगे, प्लस माइनस होता नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा ध्यान सुनिएगा, यही मेन इंपॉर्टेंट है। सो इस प्लस वायर को यहाँ से आपको एक वायर लेना होगा और एडेप्टर के स्विच में जोड़ देना होगा, ठीक है। जो ब्लू वायर देखे होंगे वीडियो में, ब्लू वायर लिए थे, ठीक है, ब्लू लाइट के लिए। और ये जो एक वायर, एक टर्मिनल बच गया, इस टर्मिनल से क्या करना होगा आपको, इस पॉजिटिव वाले ब्लू में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो इसका नेगेटिव बचेगा, ये नेगेटिव क्या करना होगा आपको, इसी वायर के नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है, बस यही करना है। जब आप ये स्विच ऑन करिएगा तो ब्लू भी जलेंगे, ऑफ़ कर देंगे तो ब्लू एंड रेड ग्लो करेंगे। जब ये स्विच ऑन कीजिएगा वाइट, सॉरी, जब स्विच ऑफ कीजिएगा तो वाइट एंड रेड ग्लो करेंगे, और जब स्विच ऑन कर दीजिएगा तो वाइट और रेड और ब्लू ग्लो करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा,